वैरायटी uh, वाइज में अगर मैं बात करूं तो बहुत जो कैटेगरीज बनाई हुई है ना आपको लग रहा होगा कि सर ने इतने पार्ट्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया सारे न्यूमेरिकल्स को तो क्लियरली बिल्कुल आपको बता दूं मैं अभी कि न्यूमेरिकल्स uh, को इतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का रीजन ये था कि न्यूमेरिकल जो है उनको प्रॉपर समझ समझ के आप बनाओ तो हर सेशन में आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ही देने का प्लान है रीजन इसका ये है कि पहला चीज तो ये कि आपका वीडियो का जो लेंथ है वो अननेसेली बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा और उतने उतने बड़े वीडियो के अंदर से आपको फिर कुछ पांच छह न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे तो दैट इज नॉट गुड हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सेशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल भी हो और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हर सेशन के अंदर आपको मिले कम से कम दो नहीं तो तीन या चार न्यूमेरिकल भी आपको मिलना जरूरी है हर एक वीडियो के अंदर और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि न्यूमेरिकल्स को उनके कैटेगरी में डिवाइड भी इसलिए किया गया है क्योंकि तो एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूमेरिकल्स को एक स्पेसिफिक कैटेगरी uh, एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर आपके लिए रखा गया है तो वो आप जब ग्रेजुअली धीरे धीरे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आता चला जाएगा ठीक तो है तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करता हूं मैं और लेके आता हूं आपके सामने पहला क्वेश्चन आई होप कि फॉर्मुले वाला जो पूरा वीडियो था वो आप लोगों ने देख के रखा हुआ है और प्रीवियस वीडियो में डेफिनेटली आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है तो अब आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन से गिवन डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे पुट करना है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए लेके आता हूं पहला क्वेश्चन तो आज का पहला क्वेश्चन जो है उसको रीड कर लेते हैं जल्दी से आप लोगों के लिए तो क्वेश्चन है अ फोर पोल डीसी मोटर हैज लैप कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग विथ फ्लक्स ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स वेबर्स द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड वेन कनेक्टेड टू टू थर्टी वोल्ट डीसीचर करेंट ऑफ फोर्टी एमपीय कैलक्यूलेट द बैक एंड द स्पीड विथ विच द मोटर इज रनिंग आगे लिखा हुआ है अज्यूम द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट सिक्स ओम्स तो भाई क्वेश्चन तो चलो ठीक है काफी सारा कुछ डेटा गिवन है डेटा हाईलाइटेड भी अलग कलर से आपको दिख रहा होगा अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में दिए डेटा के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज हमारे पास गिवन में आएगी एक लिस्ट जैसी बना लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि गिवन में व्हाट ऑल थिंग्स हैव और हमको क्या पूछा हुआ है दूसरा चीज और तीसरा चीज ये कि उस सब चीज के लिए अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लगना चाहिए ठीक है बस यही तीन बेसिक अप्रोच होता है तो ये एकदम माइंड में क्लियर रखना आप लोग चलो मैं शुरू करता हूं आपको सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इसके अंदर से क्या क्या डेटा गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं चलो आप लोग भी पहचानो मेरे साथ साथ लिखा हुआ है फोर पोल इज द वैल्यू ऑफ पी वैल्यू ऑफ पी फोर पोल का डीसी मोटर है ठीक अब वो डीसी मोटर शंट का है या सीरीज का है या कंपाउंड है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ठीक आगे लिखा हुआ है इट हैज लैप कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्शन का आर्मेचर वाइंडिंग है सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस आर्मेचर की वाइंडिंग अगर लैप कनेक्टेड है मैंने आपको पहले याद करना बताया था कि ए इज इक्वल टू पी होता है इसका मतलब पाथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अवेलेबल पोल्स इन दिस्टम तो अगर चार पोल का मशीन है तो चार इसके पैरल पाथ होंगे वैल्यू ऑफ ए विल बी फोर ठीक कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग विथ ऑफ पॉइंट सिक्स वेबर सो दिस इज द फ्लक्स पर पोल

डीसी सप्लाई देखो मोटर है ना तो एक्सटर्नल सर्किट से ये सप्लाई ले रहा है ठीक है तो एक्सटर्नल सोर्स जो है जो उसको सप्लाई दे रही है वो सोर्स की पोटेंशियल है आपको टू थर्टी सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ वी टी जनरेटर होता है तो वीएल बोलता मैं इसको ठीक है लोड वोल्टेज अभी टोटल वोल्टेज है डीसी सप्लाई इट ड्रॉज एन आर्मेचर करंट ऑफ फोर्टी आर्मेचर जो है वो कितनी करंट ले रहा है फोर्टी एमपियर तो प्योरली मैं बोल सकता हूं कि दिस इज आई ए ठीक है कैलकुलेट द बैक ई पहला चीज क्वेश्चन का पहला पार्ट अभी पता चल गया आपको क्या पूछ रहा है बोलता है सबसे पहले कैलकुलेट द बैक ई यानी सबसे पहले फाइंड करना है आपको ईबी ये अननोन है फर्स्ट नंबर पे एंड स्पीड ठीक है स्पीड ठीक विथ विच द मोटर इज रनिंग साथ ही साथ आपको अज्यूम यह करना है कि द द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इज ऑफ ऑफ 0.6 ओम सो दिस वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गया पूरा का पूरा सारी चीजें पता चल गई क्या क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाना चाहिए अभी तक ठीक है सोल्यूशन पार्ट में लेके चलता हूं आपको चलो जैसा हम लोगों ने कल सीखा हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सैक्टली exactly बिल्कुल वैसा ही हम लोग अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ठीक सबसे पहले मैं लिख लू यहां पे जरा गिवन ठीक है चलो देखते हैं गिवन में क्या क्या था सबसे पहले वैल्यू ऑफ पी तो चलो वैल्यू ऑफ पी लिख लेता हूं मैं पहले गिवन द नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वस टू फोर देन वी हैव लैप कनेक्शन देयर फोर ए इज इक्वल टू पी तो ए विल बी इक्वल टू पी दैट इज इक्वस टू फोर फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज है फ्लक्स दिया हुआ दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स वेबर तो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है सो वी विल राइट Φ इज इक्वल टू 0.6 वेबर फिर आगे क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज 250 द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर दैट इज Z एंड इट इज 215 फिर लिखा हुआ है व्हेन कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट अब आप लोग एक डिफरेंस देखो यहां से इस क्वेश्चन के अंदर दो अलग-अलग फॉर्म -अलग के ईएमएफ का जो फॉर्मूला बनता था उसका दो अलग अलग फॉर्म में डेटा गिवन है आपको अभी तक जितना भी कुछ मैंने यहां पे लिखा हुआ है देखो बोर्ड पे दिखाता हूं आपको ये ये P लिखा 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 है लिखा है है A या Z लिखा? सभी कुछ इंटरनल सर्किट फॉर्म के फॉर्मूले के अंदर के डेटा है याद करो इंटरनल सर्किट फॉर्म ऑफ ई आप लोगों ने पढ़ा है ई एम एफ ई बी इज इक्व टू फाइव जेड एन पी अपॉन सिक्स ए पढ़ा है कि नहीं बताओ पढ़ा हुआ है ना आपका ये ठीक है और ये सारा का सारा डेटा इसी फॉर्मूले के अंदर का डेटा है ठीक तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये पता है कि ये डेटा कहां पे यूज हो सकता है आगे अब इसके बाद जो जो डेटा डेटा आ रहा है that, that VT, या IA, या RA, ये जो है दैट इज या या ये पर्टिकुलरली ये किसी ऐसे कोई फॉर्म का नहीं है इसके बारे में आपको नहीं पता कि ये इंटरनल सर्किट का है कि एक्सटर्नल सर्किट का लेकिन एक्सटर्नल सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूं एक्सटर्नल सर्किट का फॉर्म अगर मैं ड्रॉ करूं इस मशीन के लिए तो मुझे दिखेगा कि हाँ वहां पर यह डेटा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है इंटरनल सर्किट का तो नहीं है तो इसको थोड़ा अलग फॉर्म में मैं लिखता हूं so, सबसे पहले हमारे पास यहां पे है इसके बाद वीटी तो इसको मैं लिखूंगा देन वी विल वोल्ट टोटल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज जिसको बोल सकते हैं देन आर्मेचर करंट ऑफ 40 एम्पियर्स तो आई इज ऑफ 40 एम्पियर्स और आर्मेचर का रेजिस्टेंस है पॉइंट सिक्स ओम्स सो वी हैव इज ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अब इसको मैं ऐसे बाइफरकेशन कर लेता हूं ताकि मुझे खुद भी पता रहे कि कौन सा डेटा किस फॉर्म का गिवन है तो इसके ऊपर का पूरा का पूरा डेटा जो है मेरा इंटरनल सर्किट फॉर्म का डेटा है और उस पोर्शन के नीचे का ये वाला जो साइड है इसका जो डेटा है ये एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का डेटा है तो एक्सटर्नल सर्किट बोलने से नहीं होगा एक्सटर्नल सर्किट ड्रॉ करके भी दिखाना पड़ेगा हम लोगों को कि वो वो कैसा दिखता है 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 और वो कहां पे प्लेस हो रहा है, ठीक है? तो मशीन कौन सी है इट इज अ डीसी मोटर लेकिन कौन सा मोटर है वो क्लियर नहीं है डिफाइंड नहीं है ठीक तो अगर इन जनरली मुझे बनाना है अगर मुझे इसको इन जनरल फॉर्म में शो करना है तो मैं कैसा शो करूंगा इसको तो भाई मुझे ये तो नहीं पता कि ये कोई सीरीज वाइंडेड है या शंट वाइंडेड है तो मैं सिंपली क्या करूंगा मैं यहां पे एक ऐसा मोटर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूं ठीक है मोटर का ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं और विदाउट एनी सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग मैं इसको यूज करता हूं ठीक है ऐसा कुछ रख लेते हैं इसको तो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग मैं ना मान के चलता हूं कि बिल्कुल ये नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा हुआ एक मोटर है इन जनरल इसके अंदर जो जो क्वांटिटी मुझे पता है उसको मैं लिख लेता हूं तो इसकी आर्मेचर है तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा ठीक है अब मोटर है तो इनपुट सप्लाई लेगा ये जैसे आर्मेचर करंट आएगी इसके अंदर और एक्सटर्नल सोर्स से जो सप्लाई मिल रही है दिस विल बी टर्मड एज VT जो इन दो पॉइंट्स के बीच में प्रोवाइडेड है यही कंडीशन है ना ठीक है अब इस पर्टिकुलर केस के लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए हमको सॉल्व करना है तो इतना ही डेटा मेरे पास अवेलेबल है तो मैं सबकी वैल्यू भी देख के लिख लेता हूं जल्दी से भाई वीटी की वैल्यू मेरे पास है कितनी इट इज टू थर्टी वोल्ट ठीक है देन वी हैव आर्मेचर करंट फोर्टी एम्पियस देन वी हैव आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.6 सिक्स ओम्स क्लियर इतना ही एडिट अवेलेबल है अब फाइंड क्या करने को बोला हुआ है टू फाइंड तो फाइंड करने मुझे क्या बोला हुआ है भाई सबसे पहले पूछा है बैक ईएमएफ कितनी है मशीन की और दूसरा पूछा है एन। दैट इज द स्पीड ऑफ द मशीन तो चलो इसको भी मैं लिख ही लेता हूं कि टू फाइंड भाई बैक ईएमएफ और n ये दो चीजें हमको फाइंड करने को बोला हुआ है ठीक है बैक इम एफ निकालने के मेरे पास इस क्वेश्चन में गिवन डेटा के अकॉर्डिंग देखो हमारा अप्रोच एकदम क्लियर है और आपका भी माइंड एकदम सेट होना चाहिए कि कैसे आप काम कर रहे हो सबसे पहला चीज हम लोगों ने क्या किया क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग गिवन पार्ट को फाइंड आउट कर लिया क्लियर है देन उसके बाद उस गिवन पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि वो दो अलग अलग फॉर्मुले में फिट होती हुई वैल्यूज हमको दिखती है ठीक है अगर ई एम एफ ही कैलकुलेट करना होगा तो ई एम एफ का एक इंटरनल सर्किट फॉर्म है और दूसरा एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का डेटा अवेलेबल है ठीक फिर लिख लिया कि क्या क्या फाइंड करने को बोला हुआ है क्वेश्चन में और इसका जो डायग्राम जैसा बन सकता है वो भी ड्रॉ कर लिया अगला अप्रोच ये है कि अब आप जो फॉर्मूला जानते हो इसको फाइंड करने का भाई बैक फाइंड करने का दो फॉर्मूला आप जानते हो या उससे मे भी एक दो ज्यादा और जानते हो तो इन दो फॉर्मूले के अंदर आपके गिवन डेटा में से कौन सा वाला डेटा आप यूज कर सकते हो सो so दैट की बैक या जो भी क्वांटिटी पूछा हुआ है वो कैलकुलेट हो जाए यही आपका बिल्कुल बेसिक अप्रोच है तो चलो एक फॉर्मूला तो जो मैं जानता हूं यहां पे गिवन डेटा के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला तो कुछ ऐसा हो सकता था कि बैक ई एम एफ इक्वेडी फाइव भी है जेड भी है पी भी है और ए भी है सब कुछ है लेकिन एन मिसिंग है ये वाला जो पार्ट है ना दिस इज मिसिंग दिस इज नॉट अवेलेबल और बैक ई एम एफ तो वैसे ही नहीं पता है हमको ये तो पूछा ही हुआ है तो अगर दो चीजें अननोन है तो इस फॉर्मुले से आप फिर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे दैट इज वेरी क्लियर तो आप इस फॉर्मूले को तो नहीं यूज कर सकते हो दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है यहां पे? इसको देख के बैक में आपका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो कैसा होगा सो फ्रॉम द गिवन सर्किट फ्रॉम द गिवेन सर्किट वी कैन राइट दैट वी टी इज इक्वल टू जो टोटल वोल्टेज था दैट विल बी इक्वल टू जो है बैकईएमएफ लास्ट वोल्टेज जो यहां पर पहुंचा लास्ट पोटेंशियल जो यहां पर बना ठीक है और रास्ते में जो ड्रॉप हुए that is in terms of IA into A, तो टोटल तो वोल्टेज में से यह ड्रॉप माइनस हुआ होगा तब जाके जो बचा दैट इज योर बैक ई एम एफ तो मैं अगर यहां से यहां तक की टोटल वोल्टेज चाहता हूं तो जो बैक ई एम एफ मिली प्लस सारे ड्रॉप को एड करना पड़ेगा सो so, प्लस आई ए इंटू आर ए इस फॉर्म में लिख सकता हूं और इसी को प्रॉपरली अगर अरेंज करना हो तो लिख सकते हैं हम लोग कि बैक इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बी टी माइनस आई ए इंटू आर ए यह हम लोग अभी अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट बोलने का मतलब है बैक कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है चलो इसको सॉल्व करते हैं सो so देअ बैक ई एम एफ ई बी इज इक्व आगे क्यों प्रोसीड कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे ये पता चल गया है कि इस बैक ई एम एफ को कैलकुलेट करने के लिए जो तीन डेटा मुझे चाहिए ऑल थ्री डेटा आर अवेलेबल देखो बी टी भी है आई ए भी है और आगे भी है तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा यहां से और अपना अगला अप्रोच क्या है एन दैट इज स्पीड फाइंड करने का तो वो भी आसानी से फाइंड हो जाएगा क्योंकि अगर बैक ई एम एफ पता है और मशीन वही सेम है तो फिर केस में आप उस बैक को इंटरनल सर्किट फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हो और सिर्फ एक ही क्वांटिटी अननोन थी एन तो, तो चलो ठीक है वैल्यू so, है जीरो पॉइंट सिक्स क्लियर चलो कैलसी लो आप लोग भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं मैं भी अपने मोबाइल में कैलसी को ओपन कर लेता हूं जल्दी तो देखो इसके अंदर जो वैल्यू डालनी है कौन कौन सी है देख लेते हैं टू थर्टी माइनस तो कैल हो रहा है ओपन तब तक जरा सा वेट कर लेते हैं और आप लोग तब तक सॉल्व कर लो जल्दी आंसर पे पहुंच जाओ फिर मैं भी पहुंचता हूं तुरंत माइनस फोर्टी इंटू जीरो पॉइंट सिक्स हाँ भाई तो मेरे पास बैक ई की वैल्यू तो आ गई है सो नाउ माय बैक ई इज टू जीरो सिक्स

सो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्पीड ऑफ द गिवन डीसी मोटर स्पीड ऑफ द गिवन डीसी मोटर फॉर गिवन कंडीशन ये ध्यान रखना इस कंडीशन के लिए कितनी स्पीड में मशीन घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है वी नो दैट वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं भाई हम लोग ये जानते हैं कि बैक ई एम एफ जो है इट इज गिवेन एज फाइव एन पी होल अपॉन हैं कि नहीं जानते हैं बोलो जानते हैं ना तो बैक ईम एफ इज गिवेज एन पी अपॉन सिक्सटी एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन बस यही फाइंड करना है जिसमें से कि बैक ईम एफ इज ऑलरेडी नोन ये पता चल गया हमको ठीक तो फॉर्मूले को मैं अरेंज कर लेता हूं एन के अकॉर्डिंग तो लिख लेते हैं और एन इज इक्वस टू और एन इज इक्वी इन टू ए होल अपॉन फाइव जेड पी लिख सकते हैं सर ठीक है इसी फॉर्मूले को अरेंज कर लिया एन के फॉर्म में देखो ये मैंने क्यों किया चाहता तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता था बट ये ऐसा इसलिए करते हैं कि एग्जाम में ना आपसे एक भी मिस्टेक ना हो आप जब फॉर्मूले में इधर से उधर लेके जा रहे हैं उसी ड्यूरेशन में आपको पता चल जाए कौन सी चीज so उस साइड ले जाने में ही गलती कर देते हैं एग्जाम की नर्वसनेस में और वो एकदम नॉर्मल है लेकिन वो नॉर्मल होने के बावजूद मार्क्स तो कट गए ना आपके तो ये चीज नहीं करना है अपने को ठीक चलो आगे बढ़ते हैं हाँ भाई तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसी को अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो चलो सो सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ठीक है तो अब लिख लेता हूं मैं यहां पे, सो देयर फॉर एन इज इक्वस टू भाई क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास सबसे पहले बैक की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया दैट इज 206 हंड्रेड 60 इंटू the value द वैल्यू ऑफ ए तो हमको क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही पता है कि लैप वाइंडिंग का कनेक्शन है और वैल्यू ऑफ ए उतना ही होगा जितना वैल्यू ऑफ पी है और पी जो दैट इज पोल्स दैट इज फोर तो ए की वैल्यू भी फोर ही हो जाएगी फिर ठीक है ऐसे ही ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए अपॉन फाइव पी फाइव कितना है भाई फ्लक्स दिया हुआ है क्या अपने क्वेश्चन में चलो देख लेते हैं फाइ की वैल्यू इज गिवन पॉइंट सिक्स इट इज जीरो पॉइंट सिक्स तो चलो पुट कर देता हूं मैं इसके अंदर तो हां भाई फ्लक्स की वैल्यू इज गिवन इट इज जीरो पॉइंट सिक्स वेबर्स इन टू जेड जेड किसको बोलते हैं जेड दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है बिल्कुल दिया हुआ है इट इज टू फिफ्टी ठीक है तो ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इसी दिन का वेट कर रहा था कि इसकी बारी आए और अब वो आ गई है तो वी विल वैल्यू एज टू फिफ्टी इन टू लास्ट थिंग इज पी तो पी की वैल्यू पता है हमको बस आ गया सो इट इज टू हंड्रेड सिक्स इन टू सिक्सटी इंटू फोर होल अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स इंटू टू फिफ्टी इंटू फोर चलो वैल्यू अभी आ गई है मेरे पास लिख लेते हैं इसको सोना वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एन इज एटी टू पॉइंट फोर आर पी एम आर पी एम बोलने का मतलब रेवल्यूशन पर मिनट तो इतना रेवोल्यूशन पर मिनट के स्पीड पर हमारी मशीन जो है वो रोटेट कर रही है हमारी मशीन जो है डीसी मोटर जो है वो घूम रही है ठीक है एंड दिस इज अवर आंसर नंबर टू तो पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है अपना पूरा का पूरा जो सोलूशन है इसको एक बार आप लोग चाहो तो बिल्कुल गुड वे में आप लोग स्टडी कर सकते हो इसको मैं आपके सामने दिखाता हूं बोर्ड पे ठीक है ये अपना पूरा का पूरा सोल्यूशन है इतने पार्ट के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कहा आपको टफ लग रहा है मुझे बताना मुझे नहीं लगता कि ये आपको कहीं पे भी टफ लगेगा बिल्कुल आसान वे में बन रहा है ये क्वेश्चन बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है किसी यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके एंड सेम एग्जाम का क्वेश्चन मैंने लिया है ठीक है तो एनालाइज कर लो क्वेश्चन को अगर देखना हो तो आपको कुछ डेटा गिवन था जैसे कि पोल्स वैल्यू ऑफ ए फाइ जेड ऐसा कुछ था और कुछ डेटा जो था वो अदर फॉर्म में गिवन था तो वोल्टेज आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस के फॉर्म में तो हम लोगों ने डेटा पहले बाइफरकेशन कर लिया कि कौन सा किस फॉर्मूले के अंदर यूज हो सकता है

बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन तो हटा देते हैं सबको और लेके आता हूं मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन चलो भाई अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मेरे से पहले सॉल्व करो ठीक है तो मैं तो समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं ना आप लोग सीख चुके हो अब आपको आता है क्वेश्चन बनाने तो आप लोग कोशिश करो जिस कॉपी पेन में अभी लिख रहे थे नोट कर रहे थे क्वेश्चन को नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्यूशन इसका बनाना शुरू कर दो ठीक चलो a four pole wave wound dc shunt motor देखो इस बार स्पेसिफाइड है कि कौन सा मशीन है ये ठीक है लिखा हुआ है a four pole wave wound वाइंडिंग का टाइप चेंज हो गया पिछली बार लैप था इस बार वेव है dc shunt motor जैसे ही बोला dc shunt motor तो मोटर भी है और शंट लगा हुआ है मतलब पैरेलल में इसके वाइंडिंग लगी हुई है ये आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत आ जाना चाहिए यानी सर्किट डायग्राम इसको पढ़ते ही आपके माइंड में चलना चाहिए ठीक है तो फिर तो बात है रनिंग एट ट्वेल्व हंड्रेड आर पी एम रनिंग एट वन थाउजेंड टू हंड्रेड आर पी एम विपर कंडील्ड ऑफ वन ट्वेंटी वोल्ट इज प्रोवाइडेड अच्छा तो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है चलो भाई देखते हैं क्या है इसमें में। अच्छा पहला चीज है, है तो लगता है बहुत सारे होंगे ओके वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट इफ इट इज 10 परसेंट मोर देन द शंट करंट शंट करंट से 10 परसेंट अगर ज्यादा है तो कितना है आर्मेचर करंट फ्लक्स टॉर्क बस इतना ही है ठीक है तो क्वेश्चन तो काफी बड़ा दिख रहा है अब चलो तो कैलसी रख देते हैं सोल्यूशन पार्ट शुरू करते हैं पहले तो ठीक है तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिखे आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली

एल्यूमिनियम 1200 1200 तो तो से तो मतलब नहीं है हमको बस इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड क्योंकि हमारे फॉर्मुले में यह काम आ रहा है ठीक है तो दिस्यू ऑफ जेड दंबर ऑफ कंडक्टर अवेलेबल थ्रू आउटेचर सेक्शन चलो है

इस प्रोवाइडेड तो ये कौन सा वोल्टेज है भाई ये टोटल वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज है दिस इज वैल्यू ऑफ बी टी तो फाइंड करना है इतनी सारी चीजें बाद में फोकस करेंगे सोल्यूशन वाला पार्ट शुरू कर लेते हैं हम लोग है ना सोलूशन वाला पार्ट शुरू कर लेते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या डेटा गिवन है सोल्यूशन नंबर टू ठीक चल लिखते हैं इसमें गिवन Let us see what all things do we have in our given section. So, सबसे पहला चीज जो given है that is the number of poles. So the number of poles P is equal to टू अरे यार sorry P is equal to फोर not टू मेरा ध्यान चला गया था A के ऊपर P is equal to फोर वैसे ही value of A is equal to टू क्योंकि wave winding connection है ठीक है चलो आगे देखिए और क्या है 1200 RPM, that is the value of n. So n is equal to 1200 RPM. ठीक है साथ में दिया हुआ है 2000 कॉपर के कंडक्टर्स इज द वैल्यू ऑफ z इट इज 2000 कुछ और दिया हुआ है क्या फर्स्ट फॉर्म का डाटा इतना ही अवेलेबल है सेकंड फॉर्म का कुछ और डाटा अवेलेबल है हमारे पास देखते हैं उसको भी ठीक है मार्किंग कर लेते हैं और देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है आगे लिखा हुआ है आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स सो वी हैव आवर आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम्स ठीक इसके साथ फिर क्या है शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है 120 ओम्स सो वी हैव शंट फील्ड रेजिस्टेंस आर एस एच इज ऑफ 120 ओम्स ठीक है और क्या है टोटल सप्लाई दिया हुआ है 250 वोल्ट्स सो so लिख लेता हूं मैं VT is इक्व टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है जिसमें सबसे सबसे आगे, सबसे पहले first में लिखा हुआ है, the value of back है? है, कितना फिर पूछा अगर वो दस परसेंट ज्यादा है किससे करंट से तो अगर शंट करंट पता चल गई तो कुछ हो सकता है इसका फिर फ्लक्स पूछा है टॉर्क पूछा है काफी सारी चीजें ठीक मशीन कौन सा है हमारा इट इज आवर डीसी शंट मोटर तो उसका सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं और मुझे यहां पे इस गिवन डेटा को देख करके ही पता चल गया इसको मैं बाइफरकेट भी कर लिया कि इंटरनल सर्किट फॉर्म का कितना डेटा है और एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का कितना डेटा अवेलेबल है तो चलो सोलूशन पार्ट में अब स्टार्ट कर देता हूं और सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं सर्किट ही ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले तो चलो भाई शंट मोटर है ना तो सबसे पहले चलो मोटर को तो ड्रॉ कर ही लेते हैं ठीक है तो चलो भाई मोटर बन गया यहां पर अच्छा अब इसके बाद शंट फील्ड वाइंडिंग भी लगा लेते हैं इसमें इसमें शंट फील्ड की वाइंडिंग भी कनेक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे ठीक है चलो शंट फील्ड वाइंडिंग बोलने का मतलब हो गया यहां पे पैरेलल कनेक्शन तो यहां पैरेलल में वाइंडिंग को कनेक्ट करते जाते हैं हम लोग ठीक अच्छा ये लगा दिए इसके कार्बन ब्रशेस ये कर दिए हम लोग यहाँ पे इसकी वाइंडिंग को कनेक्ट और यहां दिए हम लोग टोटल सप्लाई क्लियर है ना इतना तो डीसी शंट मोटर इसका डायग्राम तो बन गया चीजें इसकी क्वांटिटीज जो हैं वो लिख लेता हूं मैं जल्दी तो सबसे पहले तो होगा इसके अंदर बैक यहां का रेजिस्टेंस आर एस एच और यहां का वोल्टेज वी टी ठीक सिमिलरली और क्या क्या क्वांटिटीज अवेलेबल है तो भाई आर्मेचर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा होगा ही होगा। आर्मेचर के अंदर कुछ करंट जा रही होगी आई ए कुछ करंट यहाँ से शंट के अंदर जा रही होगी आई एस एच और कुछ करंट यहाँ से टोटल आ रही होगी आपको दैट इज आई टी ठीक है और देखते हैं कि अब क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन आगे प्रोसीड करेगा डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसको मैं लिख दूं पहले

अगर आप लोगों को बैक ई एम एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या तरीका है उसका भाई एक ही तरीका है ना कि ई बी टू फाइव एन पी अपॉन सिक्स कौन कौन सा डेटा दिया है और कौन सा नहीं दिया है तो देखो P की वैल्यू इज गिवेन तो P इज गिवेन भाई ठीक है A की वैल्यू इज गिवेन तो A भी गिवन ठीक है N की वैल्यू इज गिवेन ठीक और Z की वैल्यू वैल्यूज गिवेन क्या मिसिंग है फाइव इज मिसिंग ई बी इज मिसिंग दो अननोन के साथ तो नहीं सॉल्व कर सकते हो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से तो क्या कोई दूसरा फॉर्मूला है क्या जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स कम हो चलो देखते हैं सपोज इसी सर्किट को मैं अगर यूज कर रहा हूं इसी सर्किट को मैं अगर यूज कर रहा हूं ठीक है और चलो फर्स्ट पे पहले मैं लिख लेता हूं पहला चीज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्या फॉर बैकईएमएफ ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहां ई बी ठीक है इस के अकॉर्डिंग अगर मैं ई बी की वैल्यू बनाऊ ई बी का फॉर्मूला अगर लिखू तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम द गिवन सर्किट फ्रॉम द गिवन सर्किट ई बी मतलब बैक ई एम है इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज माइनस टोटल वोल्टेज माइनस ऑल द ड्रॉप्स। तो उस ब्रांच में अगर मैं देखूं तो एक ही ड्रॉप है दैट इज आई ए तो तो ये तो मैं जान गया. मुझे पता है बैक मैं वी टी आ आ होता है. That is clear. ठीक है. ठीक तो अब इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने के लिए मुझे सिर्फ डेटा की जरूरत है किसकी जरूरत है की जरूरत है. 250. अगला अप्रोच टारगेट क्या होगा अगला जो मेरा टारगेट है दैट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई ए देखो मेरा सोलूशन तो यहीं पे है ये फॉर्मूला ही अल्टीमेटली मैं यूज करूंगा लास्ट में जिससे मेरा आंसर आएगा लेकिन अब मुझे उस फॉर्मूले के अंदर से जो मिसिंग पार्ट है दैट इज आर्मेचर अब मुझे इस पे फोकस ज्यादा हो गया है अब मैं इसको पहले फाइंड करूंगा ताकि मेरा आंसर आए तो आई ए के लिए क्या रिलेशन लिख सकता हूं मैं करेंट्स के फॉर्म में ये बताओ मुझे देखो कैसे फॉर्मूले से फॉर्मूला बनता चला जाएगा आप अभी समझ जाओगे सो आई ए इज इक्वल टू टोटल करंट माइनस आई एस एच अगर ये कर दूं मैं तो मुझे आईए की वैल्यू मिल जाएगी और फिर ये सॉल्व कर दूं तो मुझे ई बी की वैल्यू मिल जाएगी ऐसे मैं अप्रोच कर रहा हूं ठीक है मेरा अप्रोच करने का तरीका यही है तो आर्मेचर करंट के लिए मैंने क्या लिखा टोटल सप्लाई करंट माइनस शंट करंट ठीक अब देखो इसमें से क्या क्या पता है मुझे टोटल सप्लाई करंट पता है क्या नहीं पता शंट करंट पता है नहीं पता लेकिन क्या फाइंड कर सकता हूं क्या मैं मैं भी कर सकता हैं चलो देखते हैं भाई देखो शंट करंट अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे शंट रेजिस्टेंस की मैग्नेट्यूड तो पता है शंट रेजिस्टेंस की मैग्नेट्यूड तो पता है मुझे यहां से और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो भी पता है ठीक तो चलो देखते हैं पहले तो इतना सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं टोटल का क्या करना है सो वी नो दैट वी नो दैट वी टी इज इक्वस टू वी एस एच क्यों ऐसा हो गया क्योंकि ये लोग पैरल में है पैरल कॉम्बिनेशन ठीक है सिंस दे आर इन पैरल और बीच में कोई यहां रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना वोल्टेज इन दो पॉइंट्स पे बन रहा है exactly उतना ही वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के बीच में भी बनेगा तो मैं बोल सकता हूं कि शंट के अक्रॉस का वोल्टेज भी ढाई हो ही होगा ठीक एंड बाय ओम्स लॉ By ओम्स लॉ वी नो that आई एस एच इज ISH टू वी एस एच अपॉन आर एस एच ठीक है वी एस एच अपॉन आर एस एच एकदम आसानी से सॉल्व होगा शंट करंट की वैल्यू सो सो देर फोर द वैल्यू ऑफ आई एस एच विल बी इक्वल टू तो विशंकरण निकालने के लिए vsh पुट कर देता हूं दैट इज नथिंग बट 250 और rsh कितना है 125 ठीक है तो आंसर तो मुझे यहीं से मिल गया ओह सॉरी इट इज 120 इट इज नॉट 125 चलो सॉल्व कर लेंगे भाई इसको भी सो इट इज 120 ठीक है तो लगभग 2.5 आना चाहिए इसका आंसर देख लेते हैं सो so, 250 डिवाइडेड बाय 120 तो इट इज इट इज 2.083, सो इट इज 2.083 पॉइंट क्लियर है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे सॉल्व करते हैं इसको तो अब करना क्या है अब देखो शंट करंट की वैल्यू तो मिल गई मुझे लेकिन आर्मेचर करंट तब तक नहीं मिलेगी ना जब तक कि आईटी नहीं मिल जाएगा आपको तो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी डेटा मिसिंग हो क्योंकि इससे ऐसे तो सॉल्व सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन में भी शायद वहां कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाए ठीक देखते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट रीड करो जल्दी से क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है अननोन वैल्यू उसमें सेकंड पार्ट में देखो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट बोलता है कि वैल्यू ऑफ आई इज़ परसेंट मोर देन शंट करंट यानी शंट करंट प्लस टेन परसेंट ऑफ करंट ओ ये तो नया इक्वेशन बन गया कुछ इससे लेकिन इतना पता है कि अगर शंट करंट की मैग्नीट्यूड आपको पता है तो आप उसका दस परसेंट को उसमें ऐड कर दोगे तो आपको आर्मेचर करंट मिल जाएगी हो गया सोल्यूशन आपका सॉल्व ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका क्या करना है शंट करंट की वैल्यू तो पता है इसका दस परसेंट निकाल लो तो टेन परसेंट ऑफ आई एस एच विल बी हाउ मच जीरो पॉइंट टू जीरो एट ठीक और इसको एड कर लो पहले वाले में सो so, मैं बोल सकता हूं अब सो देअर फोर आवर आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस टेन परसेंट ऑफ आई एस एच ठीक है ये करना है बस तो चलो शंट करंट था मेरा 2.083 प्लस इसमें इसका 10 परसेंट एड कर लेता हूं 0.283 सॉरी 0.208 तो मेरी आर्मेचर करंट की मैग्नीट्यूड यहां से आ गई आई ए इज इक्वल टू टू पॉइंट टू नाइन वन तो फिर मुझे टोटल करंट की क्या जरूरत है कोई नीड नहीं है क्योंकि तो मेरा आर्मेचर करंट तो अब डायरेक्टली आ गया ना इसको मैं पुट करूंगा तो मेरा बैक ईएमएफ भी वैसे ही आ जाएगा तो नो बिग डील ये तो आराम से सॉल्व हो रहा है तो अब इसको आगे लेके चलते हैं जरा और इसको नेक्स्ट पार्ट पे सॉल्व कर लेते हैं चलो भाई तो देखो यहां पे अब जो वैल्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं आपको कि नाउ फोर बैक इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट इज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस आई ए इज टू पॉइंट टू नाइन वन इन टू आर ए मैग्निट्यूड ऑफ आर ए आप सॉल्व करते हो जिसका कि प्रॉपर अप्रोच आपको अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कोई बात नहीं फॉर्मूले को लिखते जाओ जो, जो, जो जानते हो आप उसमें से कहीं ना कहीं से रास्ता निकल के आएगा ही लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मूला पूरा पता होना चाहिए चलो सॉल्व करो टू फिफ्टी माइनस 2.291 पॉइंट तो यहां से आ गई बैक ई की वैल्यू और ये आई कितनी 248.248.854 वोल्ट्स बिल्कुल आसान है कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल आसान है कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा इसको सॉल्व करने में ठीक है अप्रोच क्लियर रखना बिल्कुल आसानी से बनेगा दिस इज योर आंसर नंबर वन दिस इज योर फर्स्ट आंसर पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट इज कंप्लीटेड बैक की वैल्यू आपको मिल गई है ठीक ध्यान देना कि फर्स्ट पार्ट के साथ साथ सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया इसके अंदर यानी कि आपने बैक ईएमएफ भी सॉल्व कर लिया और आपने वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट भी सॉल्व कर लिया ऑल्सो मैं लिख देता हूं यहां पर ऑल्सो सेकेंड पार्ट आर्मेचर करेंट ia is equal to armature current ia is equal to 2.291 amperes ठीक? ये भी सॉल्व हो चुका है इसका भी इशू नहीं है ठीक है इसके बगल में मैं लिख देता हूं दिस इज आवर आंसर नंबर 2 ठीक थर्ड पार्ट में लेके चले आप. चलो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या बड़ी बात है फाइंड करना बताओ एक बार बैक ईएमएफ निकल गया तो क्या टफ है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लिख देता हूं मैं वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट द बैक ई एम एफ ईबीज इक्व टू फाइव जेड एन पी अपॉन सिक्सटी ए ये तो जानते ही है ना हम लोग ठीक है चलो बैक ई एम एफ की वैल्यू तो हमको पता ही है Z पता है N पता है P पता है और A पता है तो क्या बच गया फाइव यही तो फाइंड करना है तो फॉर्मूले को मैं अरेंज कर देता हूं कि और और वी कैन से दैट फाइव इज इक्वस टू Phi इज इक्वस टू ई बी इंटू सिक्सटी इंटू एंड देन होल अपॉन Z N P क्या ये सही है क्या सही लिखा हुआ है क्या EB into 16 into A, phi को यही छोड़ दो Z and P को नीचे ले आओ इसके तो बिल्कुल राइट लिखा हुआ है यहां पे EB की वैल्यू चलो पुट कर लेते हैं तुरंत के तुरंत जितना डेटा रिक्वायर्ड है सब पुट करते जाओ सो द वैल्यू ऑफ फाइव विल बी इक्वल टू भाई EB कितना है EB की मैग्नीट्यूड है 248.854, 248.854 into 60 into A की वैल्यू इट इज टू क्यों क्योंकि वेव बाइंडिंग कनेक्शन है ठीक होल अपॉन जल्दी से Z की वैल्यू 2000, 2000, टू कंडक्टर्स थे तो 2000, N की वैल्यू 1200 सौ आरपीएम पर घूम रही है मशीन 1200, हंड्रेड पी की वैल्यू बताओ 4, डेटा क्रॉस चेक कर लें एक बार गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है चलो देखते हैं Z की वैल्यू 2000 है N की वैल्यू 1200 है और P की वैल्यू है 4, A की वैल्यू 2, सारा का सारा डेटा अपन ने बिल्कुल सही पुट करके रखा है बस सॉल्व करने की देरी है और आपका सोल्यूशन सामने हाजिर होगा देखते हैं चलो सॉल्व कर लो आप लोग भी मेरे साथ जल्दी से टू फोर्टी एट पॉइंट एट फाइव फोर इन टू इंटू टू एंड देन होल अपॉन टू थाउजेंड इंटू ट्वेल्व हंड्रेड इंटू फोर और आंसर आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ फाइव विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री वेबर्स ठीक तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है सो दिस इज आवर फाइनल आंसर आंसर नंबर थ्री तो आंसर नंबर थ्री मार्क कर लेता हूं मैं इसको क्लियर है ना बिल्कुल स्मूथली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कहीं पे कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है आसानी से बनेगा आप लोगों से भी और कई सारे बच्चे तो बना चुके हैं क्वेश्चन का आंसर मुझे बिल्कुल पता है ये चीज ठीक है इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है ही अपने स्टूडेंट्स पे चलो नेक्स्ट सो वैल्यू ऑफ फ्लक्स हैज बीन कैलकुलेटेड द लास्ट थिंग इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क टॉर्क का वैल्यू फाइन करना है तो मैं लिख लेता हूं नंबर फोर पे पूछा हुआ है टाउ ए ठीक है हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है टाउ ए इज इक्वस्ट टू इट गिवन एज फाइवेड पी इन टू आई ए अपॉन टू पाइव एम ए, ए ना फॉर्मूला अगर ये फॉर्मूला होता है तो इसमें से क्या डेटा मिसिंग है जरा देखें सो आर्मेचर टॉर्क ए विल बी इक्वल टू भी पता चल गया है Z पता है P पता है आई ये आइए पता है, ये पता है, ये पता है हाँ, ये निकाल चुका है सेकंड पार्ट के लिए था और टू पाइए सब कुछ तो पता है सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना है आपको तो लेट अस स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज फाइव की वैल्यू है जीरो पॉइंट ट्रिपल डबल जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री मल्टीप्लाइड विध इज टू थाउजेंडेन मल्टीप्लाइड विद पीट इज फोर एंड मल्टीप्लाइंग था टू पॉइंट टू नाइन इट इज टू पॉइंट टू नाइन देन 2 टू पाई होल अपॉन टू पाई ए टू पाई इंटू टू ए की वैल्यू टू है सीधे के सीधे यहीं से आंसर आ जाएगा आपका तो 0.003 मल्टीप्लाइड विथ 2000 एंड मल्टीप्लाइड विथ 4 एंड अगेन मल्टीप्लाइड विथ 2.291 फिर होल अपॉन में क्या लिखू मैं 2 पाई 2 या yeah. 4 पाई बोल लो हाँ भाई तो आंसर आ चुका है अपने पास फाइनल वाला भी लिख लेते हैं इसको सो नाउ आवर आर्मेचर टॉर्क केम आउट टू बी 4.37 फाइव न्यूटन मीटर्स कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका कोई टफ पार्ट था ही नहीं क्वेश्चन लेंदी जरूर था बट टफ पार्ट नहीं था सो दिस इज आवर आंसर नंबर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर तो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका बना हुआ है अब यहां पे ठीक है आप लोग देख सकते हो कि कैसे कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में अप्रोच किया हुआ है क्या क्या चीज किया हुआ है कैसे करके आप हम लोग सब इस आंसर पे पहुंचे ठीक स्टार्टिंग से देख सकते हो गिवन डेटा लिखा बैक बैकईएमएफ देखो जो भी चीजें फाइंड करनी है उसको बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते चले जाओगे तो अपने आप ही आपका क्वेश्चन बनेगा तो बैक ई निकालने के लिए हम लोगों ने इसके सर्किट डायग्राम ड्रॉप किया जो फॉर्मुला एलिजिबल हो सकता है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग वो फॉर्मुले में पुट कर दिया वैल्यू और उससे फिर हम लोगों ने क्या किया देखा कि भाई इस फॉर्मुले में पुट करने के लिए हमको पता चला कि अच्छा इसमें से आईए मिसिंग है अब आईए के लिए हम लोगों ने नया फॉर्मुला बनाया कि आईए कैसे निकाल सकते हो उस फॉर्मुले के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम लोगों ने देखा कि अच्छा आईए निकालने के लिए आपको आई आई एस एस एच एच की जरूरत है ISH निकालने के लिए फिर जो पॉसिबल था वो किया अप्लाई कर लिया यहां पे शंट करंट मिल गई क्वेश्चन को वापस जब पढ़ा तो पता चला कि दस परसेंट अगर उसका एड कर दें उसी शंट करंट में तो वो आर्मेचर करंट कहलाएगी ठीक तो आर्मेचर करंट हमारे को मिल गई उसके बाद 2.291 और उसके हेल्प से फिर बैक किया के अंदर पुट करके निकाल लिया ठीक है अब आर्मेचर करंट और बैक ईएमएफ दोनों के दोनों यहीं से मिल गई फ्लक्स कैलकुलेट करना था इंटरनल सर्किट फॉर्म का यूज किया हम लोगों ने और चूंकि बैक ईएमएफ पहले ही निकाल चुके थे तो फ्लक्स निकालना कोई टफ टास्क नहीं है अब यहां से अब तो सारी चीजें सीधे फॉर्मुला में वैल्यू पुट करने से आ गई तो फ्लक्स भी वैसे ही आया और वैसे ही आर्मेचर टॉर्क भी कैलकुलेट किया ये इसका फॉर्मुला था फाइव पी आई अपॉन टू बाई ए सारा ही डेटा अवेलेबल था सीधे बस पुट किया और आंसर पे पहुंच गए क्लियर है ेंदी हो सकता है क्वेश्चन बड़ा हो सकता है टफ नहीं होगा अगर आपको सारे फॉर्मूले पता है सारा कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली निश्चिंत हो जाओ टफ नहीं लगेगा कोई भी क्वेश्चन आपको ठीक चलो अब हाँ भाई तो क्वेश्चन नंबर टू आपका इसी के साथ अब कंप्लीट हो जाता है ठीक एक और क्वेश्चन बना लेंगे थोड़ा सा टाइम है तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन लेके आ गया आपका आखिरी क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे फिर वीडियो को, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे लोग ठीक शुरू करते हैं क्या लिखा हुआ में? इसमें और कुछ तो नहीं है क्वेश्चन हाँ. कौन सा फिगर बनेगा कैसा डायग्राम बनेगा इसका तो फोर पोल का इट द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और वाइंडिंग का टाइप है

आपको देखो ऐसा क्या होता है जब कई अच्छी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो जब क्वेश्चंस बनाती हैं तो वो आपको एट वंस once... फर्स्ट टाइम पढ़ने में बिल्कुल इजी लगेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगोगे तो एक दो चीजें एक दो डेटा ऐसा लिखा होगा कि उसमें आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा और वही जिस स्टूडेंट को क्लियर होगा वही उस क्वेश्चन को सही बना पाएगा तो सब कुछ सारा फॉर्मुला जानते हुए भी अगर आप डेटा पढ़ के एक्सट्रैक्ट सही से नहीं कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा वैसे ही डेटा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया हुआ है क्या दिया हुआ है इफ द मोटर ड्रॉ फोर्टीन एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई मोटर चौदह एम्पियर सप्लाई से ड्रॉ कर रहा है ठीक माइंड में दो चीज आएगी आपकी अगर मोटर ड्रॉ कर रहा है तो क्या ये आर्मेचर करंट है लेकिन आगे लिखा हुआ है सप्लाई से ड्रॉ कर रहा है तो क्या ये टोटल करंट है इतने ही में केम खत्म हो जाएगा इतने में क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा गलत हो सकता है या सही हो सकता है दोनों के बीच का डिफरेंस यहीं पे हो जाएगा सीधे सीधे ठीक है तो चलो आप जो भी सोच रहे हो जो भी आपको इसको इस लाइन को पढ़ के जो आपके माइंड में आ रहा है वो लेके सॉल्व करना शुरू करो और देखेंगे कि सही अप्रोच क्या था इसका ठीक चलो नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं आपको सोल्यूशन यहां पर बनाएंगे हम लोग और सबसे पहला काम जो हम लोग गिवन डेटा को फाइंड कर लेते हैं तो सब सबसे पहले शुरुआत में सेकंड पार्ट तो का भी डेटा इसी के अंदर दे दिया है टू फिफ्टी वोल्ट डीसी मोटर शंट मोटर है ना ये इंपॉर्टेंट है फाइव हंड्रेड वेव बाउंड कंडक्टर दिस इज वैल्यू ऑफ जेड और वेव बाइंडिंग बोलने का मतलब इसके होने से ए की वैल्यू टू हो गई इतना हमको पता चल गया आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ यहां से सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ए इतना ओम्स एंड फील्ड रेजिस्टेंस यानी शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 125 ओम आर एस एच ठीक है फ्लक्स पर पोल जो दिया हुआ है आपको इस बार पूरा डेटा मिक्सअप कर दिया है दैट इज फाइव इफ द मोटर ड्रॉस 14 एम्पियर तो क्लियर कर देता हूं मैं फ्रॉम द सप्लाई सप्लाई से ड्रॉ कर रहा है ठीक है उसकी आर्मेचर पे नहीं जा रहा है सप्लाई दे रही है जो जो सप्लाई सोर्स है उससे खींच रहा है ये तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई टी दिस इज द टोटल करेंट नॉट आर्मेचर करेंट क्लियर है देन फाइंड द टॉर्क एंड स्पीड ऑफ द मोटर देन फाइंड द टॉर्क एंड स्पीड यानी क्या क्या फाइंड करना है आपको आर्मेचर टॉर्क आपका अननोन है और एन आपका अननोन है पता चल गया पूरा का पूरा डेटा सॉल्व करना शुरू करते हैं सोल्यूशन नंबर थ्री लास्ट क्वेश्चन है अपना ठीक है मेरे से पहले बनाओ जल्दी अब तो सारा डेटा जान गए हो आप लोग भी सो वी हैव द वैल्यू ऑफ पी इज फोर वैल्यू ऑफ ए इज इक्व टू टू इंटरनल सर्किट का डेटा मैं अलग लिख रहा हूं एक्सटर्नल का अलग लिख रहा हूं वैसे ही मेरी आदत है वैसे ही करते हैं हम लोग सॉल्व तो वैल्यू ऑफ पी इज फोर जेड की वैल्यू फाइव हंड्रेड है और ए है टू तो वैल्यू ऑफ जेड इज फाइव हंड्रेड ए की वैल्यू तो लिखी लिया टू और फ्लक्स पर पोल इज गिवेन एज पॉइंट वेबर ठीक है इतना ही डेटा दिया हुआ है ना ठीक एक्सटर्नल सर्किट का लिख लेते हैं हम जल्दी से तो एक्सटर्नल सर्किट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो मुझे दिया हुआ वी टी ऑफ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वोल्ट टोटल सप्लाई वोल्टेज ऑफ टू फिफ्टी वोल्ट फिर आगे दिया हुआ है आर्मेचर का रेजिस्टेंस पॉइंट टू फाइव आरमेजर रेजिस्टेंस पॉइंट टू फाइव ऑम्स शंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है मुझे दैट मींस आर एस एच की वैल्यू दी हुई है 125 ओम्स और आई टोटल मुझे दिया हुआ है कितना 14 एम्पियर्स आई टोटल की मैग्नीट्यूड है 14 एंपियर फ्रॉम द सप्लाई ठीक फाइंड क्या करना है टॉर्क और स्पीड सो टू फाइंड मेचर टॉर्क अननोन है और दूसरा चीज क्या अननोन है स्पीड यानी n भी मेरा अननोन है ठीक सोल्यूशन पार्ट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एकदम जल्दी से ठीक है ताकि वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल रहे और कंसेप्ट पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट आप तक पहुंच जाए चलो सबसे पहला काम यह है कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए स्पीड की वैल्यू फिर आर्मेचर टॉर्क और पे अपन आ जाएंगे बाद में ठीक स्पीड फाइंड करना है अगर तो मुझे फॉर्मूला मेरे पास बनता है, 5ZNP 60 है लेकिन तो एक ही तरीका फिर बचता है कि डेटा लिख लू उसको कैलकुलेट करना ज्यादा ईजी होगा मेरे लिए तो चलो ठीक है फ्रॉम द गिवन डेटा मैं क्या सर्किट बना सकता हूँ वो देख लेते हैं ठीक इस डेटा के अकॉर्डिंग देखो सर्किट का पार्ट बनाना शुरू कर लेते हैं मशीन है हमारा डीसी शंट मोटर ध्यान रखना मशीन कौन सा है आपका डीसी शंट मोटर तो डीसी शंट मोटर के लिए जो डायग्राम बन सकता है वो पॉसिबल वो आप बना लो जल्दी से तो ये बन गया हमारा डीसी शंट मोटर का कुछ पार्ट और इसके सामने शंट बोला ही हुआ है तो फिर शंट फील्ड वाइंडिंग भी लगा लेंगे हम लोग ठीक है हाँ भाई शंट फील्ड की ऐसे वाइंडिंग भी कर लेंगे इसका रेजिस्टेंस भी रहेगा और यहां पे बना लेते हैं मोटर का कार्बन ब्रश वाला सेक्शन ठीक है और इन दो पार्ट्स के बीच में इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग लिखेंगे अब सारी क्वांटिटीज की वैल्यू तो यहां पे हमारा कौन सा सेक्शन इट इज अवर बी टी इसकी वैल्यून टू फिफ्टी इट इज टू फिफ्टी वोल्ट कहा से कहां तक इन बिटवीन दीज टू पॉइंट दिस इज अवर टोटल सप्लाई वोल्टेज आगे फिर क्या लिखा हुआ है यहां पे सो so यहां लिखा हुआ है आर एस एच वैल्यू है इसकी 125 ट्वेंटी ओम्स ठीक है अंदर इसके मशीन के अंदर क्या होगा मोटर है ना तो बैक ईएमएफ e होगा ठीक आर्मेचर है तो आर्मेचर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा RA एंड इट्स वैल्यू विल बी 0.25 ओम्स ठीक कोई तो करंट दिया हुआ है तो डेफिनेटली दिया हुआ है इट इज 14 एम्पियर्स द वैल्यू ऑफ करंट इज 14 एम्पियर कौन सी करंट टोटल करंट सो दिस इज आवर IT अब मुझे ये पता है आगे चल के कि IT दो पार्ट में स्प्लिट भी हो रही होगी कुछ आर्मेचर में जा रहा है और कुछ शंट के अंदर जा रहा है ठीक है लेकिन इनकी वैल्यूज अभी नहीं पता है ठीक तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम फ्रॉम द दे गिवन डेटा उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ये सर्किट बना और यहां से मैं लिख सकता हूं फॉर बैक ही मुझे फाइंड करना है N, लेकिन उस N के लिए मुझे सबसे पहले बैक फाइन करना जरूरी है तो बैक फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा इबी इज इक्व टू टोटल वोल्टेज माइनस ऑल द ड्रॉप क्या क्या ड्रॉप हो रहा है, भाई? दिख रहा है मुझे आई ए इन टू आर ए

सेम ड्रिल है जो पिछली बार भी किया हुआ है तो एकदम ईजी है तुरंत सॉल्व होगा शंट करंट निकालना है तो आपको पता है वोल्टेज तो दोनों पॉइंट की सेम है यानी शंट की वोल्टेज भी कितनी है वोल्ट। और ठीक है ये किससे पता चला बाई ओम्स लॉ बाईम लॉ ठीक तो अब इसके अंदर मैं डेटा पुट कर दूंगा अगर so therefore our ish therefore our ish is equal to vsh ki value 250 250 divided by right theek se likh lete hain isko 250 divided by 125 that is equals to 2 amperes theek hai to shunt current ki value mil gayi kitni we got the value of ish as 2 amperes ये clear हुआ शंट करंट की वैल्यू को यहां पुट करूंगा टोटल करंट पहले से 14 है तो बताओ आर्मेचर करंट कितना मिलेगा इसके बाद सो सो देस टू दर्स मिल गया आर्मेचर करंट यहां से इसको पुट कर देता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको बोल दू अगर फर्स्ट इक्वेशन सो मैं लिखूंगा पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन पुटिंग इन क्वेश्चन नंबर वन सो फॉर बैक ईएमएफ आई विल राइट सो फॉर बैक ईएमएफ ईबी इज इक्वल्स टू वीटी वीटी कितना है so 250 250 माइनस आईए इनटू आरए दैट इज 12 इनटू आरए की मैग्नीट्यूड कितनी गिवन मैंने क्वेश्चन में हमको आरए की वैल्यू 0.25 है ठीक है कैलकु कहां चला गया हां जी चलो सॉल्व कर लो आप लोग जल्दी से सो इट विल बी 250 माइनस 12 इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव बिल्कुल आसान है सो द वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ बैकटी सेवन वोल्ट कितना आ गया इट इज टू फोर्टी सेवन वोल्ट लेकिन खुशी मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपसे पूछा है एन की वैल्यू इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको ठीक है एक आध स्टेप मार्किंग मिल जाएगा बट उतने से क्या करोगे आप तो मेन मुद्दे पे आते हैं जो चीज पूछा हुआ है वो फाइंड करने के बाद खुशियां मनाएंगे तो पूछा है आपसे क्या चीज वैल्यू ऑफ एन सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन वी नो दैट ई बी इज इक्वस टू फाइव जेड एन पी होल अपॉन सिक्सटी इंटू ए ये तो चीज हम लोग जानते ही इंटरनल सर्किट फॉर्म है ठीक यहां से अब ये फॉर्मूला क्यों यूज कर पाएंगे क्योंकि अब बैक एम की वैल्यू पता चल गई है और बाकी चीजें पहले से नॉन थी तो एन कैन बी इजिली कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं कि और एन इज इक्व टू एन इज इक्व टू फिर से अरेंज कर लू इसको ई बी इंटू सिक्सटी इंटू ए अपॉन कैलकुलेट हो सकता है यहां से चलो डेटा पुट कर देते हैं सारा का सारा तो अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर मुझे डेटा पुट करना है तो देखो क्या क्या डेटा अवेलेबल है मेरे पास सभी अवेलेबल है चिंता की कोई बात नहीं है एन विल बीवल टू बैक की वैल्यू आ गई टू सो इट इज टू फोर्टी सेवन इन टू सिक्स इन टू वैल्यू ऑफ ए तो ए तो की वैल्यू मेरे पास है टू क्यों है टू बता दो आप लोग ए की वैल्यू टू तो क्यों है वे वाइंडिंग है इसलिए ठीक है होल अपॉन फाइव पी तो फाइव की वैल्यू कितनी phi इज ऑलरेडी given as 0.02, So I सो आई विल राइट इट एज the value of z. टू z वैल्यू ऑफ जेड भाई जेड कितना था पे? 500. So value of वैल्यू ऑफ जेड इज p that is 4 into 4, ठीक है बस सॉल्व कर लो पहला आंसर आ गया आपका तो लिख लिया मैंने 247 फोर्टी सेवन इंटू सिक्स इंटू टू एंड देन होल अपॉन जीरो पॉइंट जीरो टू इन फाइव हंड्रेड फोर ठीक एन की वैल्यू तो आ गई तुरंत आसानी से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन एन इज सेवन फोर वन आर पी एम मशीन हमारी इतना स्पीड से घूम रही है ठीक है कौन सा मशीन ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अबाउट दिस डीसी मोटर डीसी शंट मोटर जो है हमारा है,

बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स बिल्कुल आराम से बनेगा आप लोगों तो से क्वेश्चन जो एग्जाम में नर्वस हो गया घबरा गया वो फिर कितना भी पढ़ के जाए कोई मतलब का नहीं है ठीक एग्जाम की नर्वसनेस यहां पर है तो आपका कॉन्फिडेंस यहां पर होना चाहिए सारे क्वेश्चन बनेंगे गारंटीड है सेकेंड पार्ट में चलते हैं आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर टॉर्क टाउ ए वी नो दैट फॉर्मूला कितना आसान है है ना बस आपको याद रखने की देरी है आरमेचर टॉवर्क इज इक्व टू फाइव पी आई ए होल अपॉन टू पाइन टू ए क्लियर एट। चलो अब इसमें क्या करना है और सो देयर फोर आर्मेचर टॉर्क टाउ इक्व टू क्या नहीं है इसमें सब चीज तो दिया हुआ है पुट कर लेते हैं वैल्यू चलो तो चलो देखते हैं क्या क्या वैल्यू है फाइव की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो टू इन टू जेड की मैग्नीट्यूड जेड यहां पर भी पुट किया इसी से देख के मैं लिख लेता हूं इट इज फाइव हंड्रेड तो इंटू फाइव हंड्रेड इन टू पी तो पी की वैल्यू है फोर है ना और इंटू आई ए आर्मेचर करेंट तो अभी रिसेंटली कहीं निकाला है हम लोगों ने देखो यहां दिख रहा है आपको इट इज वैल्यू इट्स वैल्यू इज फोर इट्स वैल्यू इज ट्वेल्व ठीक है एंड देन होल अपॉन टू पाई ए टू पाई इंटू ए ए की वैल्यू तो टू है सोल्व हो गया फॉर्मूला तो जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू फाइव हंड्रेड इंटू फोर इंटू ट्वेल्व होल अपॉन टू पाई इंटू टू ठीक देखते हैं इससे कुछ आंसर तो आया ही है So, इससे हमको मिला आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर टॉर्क कितना मिला? 38.197, 38.197 न्यूटन मीटर 38.197 न्यूटन मीटर सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन इतना ही तो पूछा था आपसे आपसे जो पूछा था वो इतना ही था सो दिस इज आवर आंसर नंबर टू क्वेश्चन सोल्व

क्या फाइंड करना है उसको डिफरेंट सेपरेट कर लिया मैंने फिर क्या स्टेप किया हम लोगों ने फिर हम लोगों ने ये किया कि फिर इसके बेसिस पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया और देखा कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्वेश्चन ने पूछा था स्पीड तो शुरुआत किया मैंने बैक बैकईएमएफ से क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली स्पीड के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला तो यूज करूंगा ही ये जो फॉर्मूला है यही मुझे स्पीड की वैल्यू दिलाएगा लेकिन इस पे पहुंचने से पहले मुझे बैक ई चाहिए और बैक ई चाहिए तो मैं इस सर्किट को ड्रॉ करके इससे कैलकुलेट कर सकता हूं तो सर्किट के गिवन डेटा के अकॉर्डिंग बैक बैकईएमएफ तक पहुंचे हम लोग फाइनली बैक ईएमएफ की वैल्यू आपको मिल गई 247 वोल्ट्स इसको पुट किया इस फॉर्मुले के अंदर तो स्पीड की वैल्यू मिल गई और उसी बैक ईएमएफ की हेल्प से आपने आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया यानी जो डेटा उसके अंदर रिक्वायर्ड था उसको कैलकुलेट करने के ड्यूरेशन में वो सब डेटा को बैक ईएमएफ तो डायरेक्टली नहीं यूज होता है लेकिन वो भी यूज कर सकते हो आप इवन दैट ऑप्शन इज पॉसिबल कुछ चीजों को रिप्लेस करके और कुछ मल्टीप्लाई करके बैक ईएमएफ भी पुट कर सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको जो डेटा अवेलेबल था उसके फॉर्म में जब वैल्यू डाला तो आर्मेचर टॉर्क के वैल्यू मिल गई हमको तो मेन मुद्दा ये था मेन चीज ये थी इस पूरे पार्ट को या इस पूरे क्वेश्चन को समझाने का या आपको बताने का कि आपका बेसिक अप्रोच कैसे क्लियर हो आप कैसे आप क्वेश्चन से प्रॉपरली चीजें आइडेंटिफाई करें और उसमें कैसे फॉर्मूले में पुट करेंगे कैसे आप आइडेंटिफाई ये करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज होगा तो ये उसका समझाने के लिए ये पूरा का पूरा सीरीज हम लोग अभी कर रहे थे ठीक तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर अप करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करता हूँ जल्दी मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में पार्ट थ्री लेके आऊंगा आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल सेक्शन का तो, तो अब टिल देन इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करेंगे जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में टिल देन स्टे कनेक्टेड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स